वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे चंद्रबाबू नायडू। मुलाकात के बाद हो सकता है गठबंधन का ऐलान। 2019 के चुनाव में भी एनडीए के साथ थी टीडीपी, तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसको लेकर के बहुत तेज अटकलें, क्योंकि लगातार जो एनडीए है वो अपना विस्तार कर रही है, और दक्षिण में अगर टीडीपी साथ आती है तो बीजेपी ये मांग करके चल रही है कि एनडीए को काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। जो मिशन 400 प्लस का जो टारगेट दिया गया है उसको अचीव करने में, और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के साथ ये मुलाकात के बाद कैसी तस्वीर सामने आएगी वो देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे चंद्रबाबू नायडू, और कहा जा रहा है कि मुलाकात के बाद ही गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकती है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। चंद्रबाबू नायडू ने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर ली है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई चंद्रबाबू नायडू। दोनों नेताओं से सीट शेयरिंग पर बात करते हुए नजर आए हैं, ये सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश से कुल 10 सीटें मांगी है, 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। जनसेना जो कि पहले ही टीडीपी के साथ गठबंधन में है, और टीडीपी ने बकायदा ये ऐलान कर दिया था कि 3 सीटें जनसेना को जाएगी, तो क्या ऐसी स्थिति में बीजेपी जो 10 सीट पर दावा कर रही है, कैसे सीट शेयरिंग को लेकर के आगे बढ़ा जाएगा आंध्र प्रदेश में, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको ये बताते चले कि बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, और साथ ही साथ गृहमंत्री से भी मुलाकात हुई, और अब खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू।